आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक लैपटॉप स्टैंड जो कि बहुत ही बजट प्राइस में आपको देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रिप कंपनी की तरफ से आता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इसको बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो कल लेते हैं थोड़ा बॉक्स का ओवरव्यू। तो आपको यहाँ पे सिंपली स्ट्रिप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे लैपटॉप स्टैंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लैपटॉप स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है। इस स्टैंड में आपको 8 डिफरेंट लेवल देखने को मिलता है, जिस तरह से आप अपने लैपटॉप को एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको इसमें एक मोबाइल के लिए भी स्टैंड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए सिंपली मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और आता हूँ सीधे अपने प्रोडक्ट पे। बॉक्स को अनबॉक्स करने पे आपको सिर्फ ये स्टैंड देखने को मिलता है और आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता। तो सीधे मैं इस प्रोडक्ट पे आ गया। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्ट्रिप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब मैं ऐसे कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे 6 प्लेसेस पे रबर के पैड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। जैसे कि मैं इसे फील कर पा रहा हूँ तो मुझे ये हार्ड रबर प्लास्टिक टाइप का फील हो रहा है। ये जो भी हो, लेकिन ये आपके लैपटॉप में थोड़ा ग्रिप प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको 2 क्लिप भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लैपटॉप को बैलेंस प्रोवाइड करेगा। ये है इसके फ्रंट साइड का व्यू। अब चलते हम लोग देखते हैं इसके बैक साइड आपको कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 4 लेग्स देखने को मिलती है, जिसमें कि रबर की ग्रिप प्रोवाइड की गई है। इससे ये फायदा होगा कि ये आपको बैलेंस प्रोवाइड करेगा और ये स्लिप भी नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक हैंडल टाइप का भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसे कैरी करने में आसानी आपको होगा। तो ये है फुल स्टैंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और किस तरह से ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मोबाइल फोन के लिए भी एक स्टैंड देखने को मिलता है। तो इसे कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसे ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ मूव करना होगा। जैसे हम लोग इसे मूव करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एडजस्टमेंट के लेवल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए क्लिप देखने को मिल जाता है। तो हम लोग को इसी के थ्रू इसे एडजस्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसे टर्न कर लेता हूँ अपनी तरफ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम लोग यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट कर लिए, उसके बाद सिंपली ये हमारा हो गया यूज़ करने लायक। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये हो गया। थोड़ा मैं इसका लेवल लो कर लेता हूँ, तो ये इसका सबसे लोएस्ट लेवल देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप इस क्लिप को अप कर लें और यहाँ पे हम लोग अपने लैपटॉप को प्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसे कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं इसे फुल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड एक कटआउट देखने को मिलता है। जिस तरफ आपको यूज़ करना हो उस तरफ इसे फिक्स कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग इसे इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सबसे लोएस्ट लेवल पर सेट करके इस पर लैपटॉप प्लेस करके दिखलाता हूँ। अगर आपको ये परचेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इसलिए इसे रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपको अपने लैपटॉप को बेड पे यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपने लैपटॉप को हार्ड टेबल पे यूज़ करना चाहिए या फिर हार्ड सर्फेस पे। इसलिए मैं इसे आपको रिकमेंड करता हूँ। इसमें आपको एयर फ्लो के लिए भी देखने को मिलता है। अगर आप एयर कूलिंग वाला सिस्टम ले लेते हैं इस टाइप का स्टैंड, तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि टॉप क्लास बिल्ड प्रोवाइड करती है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में, वहाँ से भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस स्टैंड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।